A very good morning, one and all. My name is Lokesh Nagar. Well, welcome to Start Growing YouTube channel. देखते हैं 26 अक्टूबर के करंट अफेयर. स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. पहला क्वेश्चन संबंधित है अंतर्राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद. अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का उद्घाटन किया है. ये जो अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन है, इसका कुछ उद्देश्य है जो किन्हीं पॉइंट्स पर निर्धारित है, और जो पॉइंट्स है किन किन पर ये महासम्मेलन हुआ है, वो पॉइंट है अंधविश्वास पर, आधुनिकीकरण पर, महिला सशक्तिकरण पर, जनजातीय कल्याण पर तथा आपदा, प्राकृतिक आपदाओं पर. इन जो महासम्मेलन हुआ है अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन, इन सब पर, इन पर चर्चा की गई है. ठीक है, ये है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद. और कौन से नंबर के राष्ट्रपति यही है, ये है 14वें नंबर के, 14th नंबर के ये राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद. देखते हैं दूसरा क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन संबंधित है परमाणु ऊर्जा सम्मेलन. ये जो परमाणु ऊर्जा सम्मेलन है, ये कौन से नंबर का सम्मेलन है, ये है 10वें नंबर का सम्मेलन. और कहाँ पर आयोजित हुआ ये, तो ये हुआ है दिल्ली में. तो दिल्ली में 10वें नंबर का परमाणु ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है. और इसका उद्घाटन किसने किया है, तो इसका तो उद्घाटन किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, इनका उद्घाटन किया है. बात करते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री हैं. डॉक्टर जितेंद्र सिंह परमाणु ऊर्जा व अंतरिक्ष के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, जिन्होंने अभी नई दिल्ली में 10वें परमाणु ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किया है. अब यहाँ पर दिल्ली की बात हुई है, तो दिल्ली की जो सीएम है, दिल्ली की सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल, और वहाँ के उपराज्यपाल है अनिल बैजल. ठीक है, दिल्ली के बारे में इतनी नॉलेज अपन जा चुके हैं. देखते हैं अगले क्वेश्चन पर. अगला क्वेश्चन संबंधित है SPARC योजना का पोर्टल. SPARC योजना का जो पोर्टल है, अभी ही इनको लॉन्च किया गया है. और इसको लॉन्च किसने किया है, मानव संसाधन विकास मंत्री ने इसे लॉन्च किया है. SPARC योजना का पोर्टल लॉन्च किया है मानव संसाधन विकास मंत्री ने. SPARC किसके, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है स्कीम्स फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक्स एंड रिसर्च कोलेब्रेशन. दोबारा बोल रहा हूँ, स्कीम्स फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक्स एंड रिसर्च कोलेब्रेशन इसकी फुल फॉर्म है. बात करते हैं मानव संसाधन विकास मंत्री ने इसको लॉन्च किया है, तो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर. प्रकाश जावड़ेकर हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं. और जो योजना है, योजना SPARC, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है भारतीय संस्थान और तो दुनिया के जो दूसरे सर्वोत्तम संस्थान हैं उनके बीच में अकेडमिक एंड अनुसंधान सहयोग बनाकर भारत के लिए उच्च शैक्षिक संस्थानों के लिए शोध परिस्थिति के तंत्र को सुधारना. जो भी शोध करने के लिए जो परिस्थिति तंत्र है उसको सुधारना, दुनिया के दूसरे जो सर्वोत्तम संस्थानों के साथ मिलकर इस योजना का, हमारे जो शोध परिस्थिति तंत्र उसको सुधारना, इसका उद्देश्य है. इस SPARC योजना का जो पोर्टल लॉन्च किया है, इसीलिए इसको लॉन्च किया है, जिससे हमारे देश का जो शोध परिस्थिति तंत्र है वो सुधर सके. ये है हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर. चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. अगला क्वेश्चन संबंधित है पेटीएम पेमेंट्स बैंक. अभी हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए CEO तथा MD नियुक्त किए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है. क्या नाम है MD और CEO का अभी नियुक्त है, तो उनका नाम है सतीश के गुप्ता. हमारे नए पेटीएम बैंक के MD तथा CEO नियुक्त किए गए हैं. ठीक है, अभी तो जो अभी नियुक्त किए सतीश के गुप्ता के पहले, इनके पहले कौन थे, तो इनके पहले थी रेणु सेट्टी. पहले इनके पहले नियुक्त थी जो MD और CEO के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में इनको हटा दिया गया है और इनके जगह सतीश के गुप्ता नए MD और CEO बन गए. ठीक है, बात करते हैं पेटीएम की, तो पेटीएम के संस्थापक कौन हैं, तो पेटीएम के संस्थापक है विजय शेखर शर्मा, पेटीएम के संस्थापक हैं. चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. अगला क्वेश्चन संबंधित है टेक 2018. तो टेक 2018 है, तो टेक की फुल फॉर्म क्या है पहले देख लेते हैं. टेक की फुल फॉर्म है ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ह्यूमैनिटी. दोबारा बोल रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, ये इसकी फुल फॉर्म है, जिससे जो आयोजित हो रही है यूनेस्को MEMGE और आंध्र प्रदेश सरकार, ये इसको आयोजित कर रही है. ठीक है, यूनेस्को MGIEP तथा आंध्र प्रदेश सरकार टेक 2018 को आयोजित कर रही है. ठीक है, और MGIEP की फुल फॉर्म क्या है, MGIEP की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन. तो यूनेस्को महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और साथ में आंध्र प्रदेश सरकार टेक 2018 को आयोजित कर रही है. जो कहाँ पर आयोजित होगा ये, तो ये होगा 15 से 17 नवंबर 2018 तक होगा ये. और नोवल टेल विजाग सिटी आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाएगा. ठीक है, बात करते हैं
आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की जो राजधानी वो हैदराबाद है और बाद में एक अमरावती भी इसकी कानूनी राजधानी है और हैदराबाद भी इसकी रिसेंटली राजधानी है। ठीक है, बात करते हैं आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, तो आंध्र प्रदेश के सीएम है चंद्रबाबू नायडू, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और वहाँ के गवर्नर कौन है, तो वहाँ के गवर्नर है इकाडू श्री निवासन लक्ष्मी नरसिंहन, वहाँ के गवर्नर है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं ESL नरसिंहन गवर्नर है, ESL नरसिंहन गवर्नर है और सीएम जो है चंद्रबाबू नायडू है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन संबंधित है GOM का गठन। तो GOM का गठन है ये किस लिए किया गया है, तो इसको किया गया है सरकार ने कार्यस्थल पर जो महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न होता है उस मामले से निपटने के लिए GOM का गठन किया गया है। और GOM का गठन चार व्यक्तियों का समूह है, चार सदस्यों का समूह है, और जिसका नेतृत्व कौन करेंगे, इसका नेतृत्व करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। इसका नेतृत्व कौन करेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री इसका नेतृत्व करेंगे। और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, जो इस GOM का नेतृत्व करेंगे। बाकी इसमें चार समूह है, तो बाकी तीन सदस्य कौन है, तो तीन सदस्य हैं। पहला सदस्य है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, दूसरे सदस्य हैं रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, और चौथा सदस्य है महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी। तो टोटल चार हैं, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण और मेनका गांधी, चारों इस सदस्य के समूह, इस सदस्य इन चारों सदस्यों से मिलकर GOM का गठन किया गया, जो कि महिलाओं के यौन उत्पीड़न मामलों को निपटने के लिए कार्य करेगा। ठीक है, यही हमारे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन संबंधित है ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो। ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सेवानिवृत्ति की घोषणा करी है, जो कि किस देश से क्रिकेटर हैं, तो ये हैं वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं, जो कि ऑलराउंडर हैं, जिन्होंने भी हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा करी है। ठीक है, ये है ड्वेन ब्रावो। देखते हैं अगला क्वेश्चन संबंधित है वैश्विक कृषि शिखर सम्मेलन। वैश्विक कृषि शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन कहां पर हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है दिल्ली में, इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, कहां पर किया गया है, दिल्ली में। और इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है कनेक्टिंग फार्मर्स टू मार्केट, जो किसानों को मार्केट से जोड़ने की थीम है। ठीक है, कनेक्टिंग फार्मर्स टू मार्केट इसकी थीम है, और कहाँ पर किया गया है, दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। इसका आयोजक कौन थे, किसने इसको ऑर्गेनाइज किया है, तो इसको ऑर्गेनाइज किया है इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, बात करते हैं इंडियन काउंसिलिंग ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के जो चेयरमैन है, वो चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन है MS स्वामीनाथन, इसके चेयरमैन है। ठीक है, जिनको हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं हमारे वर्तमान के कृषि मंत्री कौन है, तो वर्तमान के कृषि मंत्री है राधामोहन सिंह, हमारे वर्तमान के कृषि मंत्री हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन संबंधित है भारत स्टेज फोर से क्वेश्चन संबंधित है। तो अभी हाल ही में 1 अप्रैल 2020 से भारत स्टेज फोर श्रेणी के जो वाहन हैं वो बेचे नहीं जाएंगे। कितनी तारीख से, 1 अप्रैल 2020 के बाद से भारत स्टेज फोर यानी BS4 के जो वाहन हैं वो बेचे नहीं जाएंगे, ना ही इनका पंजीकरण होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, इसके बारे में अपन को रीज़न इसका जानना चाहिए। तो इसका कारण है जो BS4 के जो वाहन हैं इनमें जो सल्फर और लेड की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, जो कि जो अपने वातावरण को प्रदूषित करती है। और BS6 में जो इसके बाद जो BS6 है, BS6 में जो जो सल्फर और लेड की मात्रा है 5 गुना कम है, तो जो BS6 है ज़्यादा हेल्पफुल होता है एनवायरनमेंट के लिए, और BS4 जो है वातावरण को ज़्यादा प्रदूषित करता है। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल 2020 से भारत में BS4 श्रेणी के वाहन बंद कर दिए जाएंगे, जो कि बाद में BS6 ही चलेगी, BS4 बंद कर दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये वातावरण के लिए सही नहीं है BS4 जो वाहन है वो। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन संबंधित है महारानी जिंदल कौर का हार जो है वो अभी हाल ही में नीलाम हुआ है, और उसकी कीमत क्या हुई, कितनी कीमत में वो नीलाम हुआ है, तो हुआ है 1,76,73,757 रुपये में वो नीलाम हुआ है। 1,76,73,757 रुपये में वो महारानी जिंदल कौर का हार नीलाम हुआ है। और बात करें महारानी जिंदल कौर कौन से राजा की पत्नी थी, तो राजा का नाम है रणजीत सिंह की ये पत्नी थी महारानी जिंदल कौर। देखते हैं अगला क्वेश्चन संबंधित है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाज़ार 2024
तक कौन सा बन जाएगा, 2024 तक कौन सा बन जाएगा, तो बन जाएगा तीसरा भारत बन जाएगा। बात करते दूसरा कौन सा होगा, तो दूसरा होगा चीन, और पहला कौन सा होगा, यूएसए। और बात करें अभी अभी रिसेंटली कौन है थर्ड नंबर पे, 2024 तक तो भारत बन जाएगा, लेकिन अभी कौन है, तो अभी है यूके, यूनाइटेड किंगडम अभी थर्ड नंबर पर है, बल्कि 2024 तक भारत इस पोजिशन पर आ जाएगा। बात करते हैं ये जो रिपोर्ट है किसके अनुसार ये रिपोर्ट दी गई है, तो रिपोर्ट दी गई है IATA के अनुसार 2024 तक जो भारत है वो दुनिया का सबसे बड़ा विमानन बाजार बन जाएगा। तो IATA की फुल फॉर्म क्या है, तो IATA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA की फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 19 अप्रैल 1945 को हवाना, क्योंकि जो क्यूबा में है वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। बात करें IATA का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल में इसका मुख्यालय है जो कि कनाडा में स्थित है। बात करते हैं CEO कौन है, तो CEO है अलेक्जेंडर डी ज्वेनिक, इसके CEO है IATA के। कौन है CEO, अलेक्जेंडर डी ज्वेनिक, इसके CEO है। देखते अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन संबंधित है पंचायती चुनाव। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में एक फैसला दिया है, वो फैसला ये है कि तीसरा बच्चा हो जाने पर जो भी कोई पर्सन है वो पंचायती चुनाव नहीं लड़ सकता, उसको स्वचालित अपने आप ही उसको अयोग्य घोषित कर दिया गया जाएगा, जिसके अगर दो बच्चे हैं, अगर तीसरा बच्चा उसके पाया जाता है तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, ठीक है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है किन किन राज्यों में भी ये जो किस राज्य ने दिया है, तो ये दिया है उड़ीसा राज्य ने भी हाल ही में दिया है, और ये जो फैसला है 8 राज्यों में पहले से ही चल रहा है, ठीक है। पहले 7 राज्यों में चला था उड़ीसा करके, 8 राज्यों में ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये चल रहा है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो वो राज्य हैं असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और उड़ीसा। इन 8 राज्यों में ये जो फैसला है वो क्रियान्वित है, वो चल रहा है, ठीक है। क्या फैसला है ये, अगर कोई भी पर्सन अगर उसके 3 बच्चे हैं तो पंचायती चुनाव नहीं लड़ सकता, उसको अपने आप ही उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। किसी के 2 बच्चे हैं तो हाँ वो लड़ सकता है, लेकिन किसी के 3 बच्चे होने पर वो चुनाव नहीं लड़ सकता, पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता वो, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन संबंधित है JCB पुरस्कार। अभी हाल ही में साहित्य के लिए JCB पुरस्कार दिया गया है, और किसको दिया गया है, ये दिया गया है बेन्यामिन को, ये पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है, बेन्यामिन को ये पुरस्कार दिया है, जो कि एक मलयालम ऑथर है, ठीक है। और किसके लिए दिए गए, कौन सी बुक के लिए दिए गए, तो उस बुक का नाम है जैस्मिन डेज, उस बुक का नाम है। और JCB पुरस्कार किसको दिया गया, बेन्यामिन को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो ये भी अपने 26 तारीख के करंट अफेयर, इसमें अपनी पूरी जितने भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट कवर करें, साथ में इनकी GK भी कवर करी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।